शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान, मेरे सिंदूर को पाप के नाम से बचा ले। मेरे पति के मन में उठने वाले इन तूफानों को शांत कर दे। मेरे घर को उजड़ने से बचा ले। ये प्रार्थना तो उनको करनी चाहिए जो बसे बसाए उजड़ गए। जिंदगी इतनी बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अवतार, तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है। गलत क्या, सही क्या, मैं अच्छी तरह समझता हूँ संगीता। क्या संगीता, तुमने मुझे अपनी शान से संगीता बना दिया। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और मरते तक तक तुम्हारी ही रहूंगी। और जब तक जीऊंगी एक पत्नी का धर्म निभाती रहूंगी। कल लगने वाले इस फूल की ताजगी कुछ और थी, आज ना इसमें वो ताजगी है ना पहले वाली वो खुशबू। नहीं दोस्त, इस फूल की ताजगी भी वही है, खुशबू भी वही है, बस तेरे सूंघने का अंदाज बदल गया है। मेरा अंदाज क्या, लोगों का तो ईमान तक बदल गया। कोमल सविता, ये तकदीर का कैसे इम्तिहान है, ये तुम्हारी कुर्बानी का कैसे सिला है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा गला घोट रहा है। ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर अब उसे बर्दाश्त करना होगा, सच्चाई का वो कड़वा जहर पीना होगा उसे, जो आज तक तुम्हारे इन आंसुओं में बहता रहा है। नहीं राम, भगवान के लिए समझ करना, ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे ये सदमा बर्दाश्त करना होगा क्योंकि अब मुझसे तुम्हारा ये हाल बर्दाश्त नहीं होता। अवतार, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो भी कैसा दोस्त है यार, ये तो आज मुझे इत्तेफाक से पता चला कि ये सारी जायदाद और तूने अपना ढेर सारा रुपया मेरे नाम कर दिया। मेरी चाहते पूरी करने के लिए जिंदगी भर तू मुझे देता ही आ रहा है। काश मेरे पास तेरी पसंद की कोई ऐसी चीज होती जो मैं तुझे दे सकता। दोस्त, तुझे। अरे हाँ, तू मुझसे कुछ कहने आया था ना। कुछ नहीं दोस्त, कुछ इस बोतल में कोई जहर मिला क्यों नहीं देता, एक ठोकर से। मुझे
जिंदगी भर इसी तरह अपनी बाहों में रखना। सजा दे रही है तुम मुझे, तुमसे शादी की उस जुर्म की सजा, तुम्हें अपना देवता माना उस जुर्म की सजा। देखो मुझे, जी रही हूं मैं एक जिंदा लाश की तरह। कैसे सुहागन हूं मैं जिसका पति उसके पास तो है मगर साथ नहीं। साथ छूटे और खाई हुई कस्में टूटे तो जमाना हो गया संगीता जी, अब तो सिर्फ ये सांस टूटना बाकी है। नहीं। फिर तुम भी आजाद और हम भी आजाद। ये तुम्हें क्या हो गया अवतार, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो, बोला जवाब दो। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूं संगीता जी, जो हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मैं उस इंसान की शक्ल देखना चाहता हूं जो हमारी इस बर्बादी का तमाशा देख रहा है, और तुम बनी बैठी हो शक्ल को छुपाने वाला पर्दा। कौन है वो, आखिर कौन है वो जिसकी जान तुम्हें मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है? जब तक मैं असलियत नहीं जान लेता, ये बोतल मेरे हाथ से छूटेगी नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? राम? संगीता, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताओ, कुछ भी करो राम, मेरे पति को बचा लो, वरना वो शक और नफरत की आग में खुद को मिटा देंगे। अब शराब उनके लिए जहर बन चुकी है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अवतार क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी, क्यों जुल्म कर रहा है इस बेचारी पर? जुल्म जुल्म मैं नहीं मेरे दोस्त, जुल्म तो ये बेचारी कर रही है मुझ पर। आज तक मैं तुमसे छुपाता रहा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। ये औरत नहीं, औरत के भेस में एक नागिन है। होठों पर मेरा नाम, लेकिन दिल की धड़कनों में किसी और का नाम लेकर जीती रही है ये पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में कलंक की। बस कर अवतार, बस कर। अरे कैसे बस करूं मैं, क्यों नहीं बताती मुझे उस आदमी का नाम जिसके साथ कभी इसका कोई रिश्ता था? पूछ इससे कौन है वो? तू जानना चाहता है ना उस आदमी का नाम? कौन है वो? वो कोई गैर नहीं, तेरा अपना दोस्त है वो। हाँ अवतार, वो मैं हूं मैं। झूठ है मेरे दोस्त, यह झूठ है। ये झूठ नहीं दोस्त, ये वो सच है जिसे कहने की आज तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, और आज तुम में सुनने की ताकत नहीं है। मैंने भी संगीता के साथ जीने और मरने के ख्वाब देखे थे, कस्में खाई थी हमने, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि तू भी उसी संगीता से मोहब्बत कर बैठा है, उस संगीता से जिसके बगैर मैं एक पल भी जी नहीं सकता। मगर जब मुझे तेरी मोहब्बत का पता चला, मेरे प्यार की पूजा दम तोड़ गई,
मेरे प्रेम का मंदिर टूटकर बिखर गया, धड़पता रह गया मैं तेरी दोस्ती के आगे। और मैंने धोखेबाजी की है, मैंने धोखेबाजी की है। अगर तेरे साथ नहीं दोस्त, इस संगीता की मोहब्बत के साथ। कैसा बलिदान कर दिया तूने मेरे दोस्त, ये तूने क्या कर दिया? तू तो सारी जिंदगी मुझे देता ही आ रहा है, अपना धन अपनी दौलत सब कुछ तो दे दिया मुझे, यहां तक कि बचपन में अपनी मनपसंद साइकिल भी। अरे साइकिल तो बाजार में हजारों मिल सकती थी, लेकिन संगीता तो सिर्फ एक थी, सिर्फ एक। कसूर, कसूर तेरा नहीं है मेरे दोस्त, कसूरवार मैं हूं। तुम दोनों के बीच दीवार बनने वाला मैं हूं। अरे मैं दोस्त कहां, मैं तो एक लुटेरा हूं, दोस्त की मोहब्बत को छीनने वाला एक डाकू हूं। अब मेरे पाप के प्रायश्चित का सिर्फ एक ही रास्ता है, कि तो प्यार करने वाले दिलों को फिर से मिला दूं। खबरदार अवतार, मैं तुम्हारे पैरों में अपना दम तोड़ दूंगी, जो जो एक रोज भी आगे कहा तो। कैसे पति हो तुम, भूल गए अग्नि पर खाई हुई उन कसमों को, किस मंगलसूत्र को, मांग में भरे हुए सिंदूर को, तमाम मंत्र भूलकर दोस्ती का मंत्र पढ़ने लगे। जीवन पतन न हुआ, क्यों ना हो गया। इनका दिल चाहा तो इन्होंने अपनी दोस्ती के नाम पर मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। जब उस बलिदान का एहसास तुम्हें हुआ तो तुमने अपनी दोस्ती के नाम पर उससे भी बड़ा बलिदान करने को तैयार हो गए। कैसा बलिदान, मैं तो अपने दोस्त का छीना हुआ प्यार उसे लौटा रहा हूं। नहीं अवतार, नहीं, मत कहो। ये सच है कि हमने प्यार किया था, मगर प्यार एक जज्बात है, जो किया नहीं जाता, इत्तफाक से हो जाता है। मगर शादी तो कभी ना टूटने वाला एक बंधन है, एक हकीकत है, ये वो रिश्ता है जो सांस टूटने के बाद ही टूटता है। तुम ठीक कहती हो संगीता, बिल्कुल ठीक। अब ना सांस रहेगी ना ये बंधन। अफसर, ये बता रहा हूँ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस घर से एक नहीं दो हथियार निकलेगी। ये बता रहा हूँ, ये बता डॉक्टर, ये पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मेरे पति? ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर तुम्हारे पति के खून में फैल गया। नहीं डॉक्टर साहब, कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। उनको बचाने के लिए उनके शरीर का पूरा खून बदलना पड़ेगा। oh, और वो ब्लड ग्रुप हमारे पास। डॉक्टर साहब, अवतार और मेरे ब्लड का ग्रुप एक ही है, जिसम से खून की एक एक बूंद निचोड़ लो, रफ्तार को बचा लो। डॉक्टर, अवतार को खून की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है,
लेकिन मैं और खून नहीं ले सकता। क्यों? इससे तुम्हारी जान को खतरा है। पर डॉक्टर, जब तक आपको कहीं से खून नहीं मिलता तब तक थोड़ा थोड़ा मेरा खून देते रहिए ना, प्लीज डॉक्टर। बस इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान मालिक है। हेलो, नेशनल हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? नहीं है? जेके हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? नेगेटिव का ब्लड ग्रुप कहीं अवेलेबल नहीं? ओह माय गॉड, मैडम आपके पति होश में आ गए। मुझे क्यों बचा? मर जा रहे था, मुझे मरना। कैसी बात कर रहे हो तुम? एक इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर के खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया, और तुम हो कि जीना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इस वक्त तुम्हारा दोस्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियां गिन रहा है। डॉक्टर साहब, नहीं हो सकता। कहाँ है वो? कहाँ है वो डॉक्टर साहब? डॉक्टर, डॉक्टर राम किस रूम में? डॉक्टर तुम इस हालत में यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम किस रूम में है? उधर इंटेंसिव केयर में। राम, राम साहब, आई एम सॉरी, अपने हाथों खुद इसने अपनी जान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। राम, तूने क्या किया राम? कैसी दोस्ती निभाई तूने अपने खून के कतरों से? अपनी जिंदगी में मुझे दे दी, ऐसा नहीं हो सकता राम, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे कुछ देना चाहता था ना?